मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहना चाहता हूं। भारत में अपने होने पर गर्व कम है, बातें बहुत हैं। यदि हम अपने होने पर गर्व आज से ये तय कर लें कि भैया मैं किसी भी अवस्था में हूं, किसी भी आयु में हूं, किसी भी पद पे हूं, किसी भी कद पे हूं, यदि मैं अपने होने पे गर्व कर लूं, अपने बनाने वाले पर गर्व कर लूं, अपने माता पिता पे गर्व कर लूं, अपनी भाषा पे गर्व कर लूं, तो मेरा जीवन सफल है। और जितने भी लोग आज तक इस पृथ्वी पर सफल हुए हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िए, उन्होंने अपनी भाषा पर गर्व किया, उन्होंने अपनी माटी पर गर्व किया, उन्होंने अपने माता पिता पर गर्व किया, तभी वो देखिए कहां से कहां पहुंचे। वो किसी और का कुछ करके उतने महान बने नहीं। आप ध्यान से देख लीजिए, जितने भी महान नाम आप लीजिए भारत के, नदी स्वयं बहती है, अपने उत्साही वेग में बहती है, किसी की कुछ सहती नहीं, किसी को कुछ नहीं कहती है। आती है रास्ते में चट्टान, तो नदी जब एक वेग निकलता है, स्ट्रीम जब उसका स्रोत बहता है, तो चट्टान से भिड़ती है, वो ऐसे मारती है ढकेले, चट्टान पे असर नहीं होता, तो थोड़ी देर बाद नदी अपना चट्टान से वापस मुड़ के ऐसे साइड में निकल लेती है। क्यों? क्योंकि उसका नैसर्गिक वेग है, उसे अपने वेग में रहना है, वो नहर बनने में नहीं लगी, वो नदी है। उसको बहुत लोगों ने, चट्टानों ने उसको बहुत चैलेंजेस दिए, और लेकिन नदी अपने वेग में रही। यदि हम सब अपने वेग में रहते हैं, तो अपनी खुशबू, अपनी पहचान का एक नजारा अलग होता है, उसकी रोशनी अलग होती है, उसका नूर अलग होता है। अच्छा, हिंदी को बहुत ही लाइटली मत लीजिएगा, जैसे हम अपने बड़ों को लाइटली ना लें, ऐसे ही हिंदी हमारा जड़ है, हमारा मूल है, और हम इसी से फल फूल रहे हैं। आप देखिए दुनिया में करोड़ों की ये फिल्म इंडस्ट्री है, ढह अंग्रेजी पे अंग्रेजी पेल रहे हैं एक दूसरे में, लेकिन कमा कौन रहा है, कहां से? हिंदी से कमा रहे हैं सब। तो ऐ मेरे हिंदी से कमाने वालों, शाह और शाह में भी फर्क समझना, वरना एक नुक्ते ने बदल डाली तकदीर हमारी, हम अर्ज करते रहे वो घर समझते रहे। वहां से यात्रा शुरू हुई अल्लाह के बंदे से, और आज एक फिल्म में हमने गाना गाया बाहुबली। देखिए अभी 14-15 ही साल हुए हैं जिंदगी को, बाहुबली में संस्कृत के उवाच हो रहे हैं, संस्कृत के श्लोक गाए जा रहे हैं, वो भी श्रृंगार रस में, जिसे रोमांटिक कहते हैं अंग्रेजी में, रोमांस, रोमांटिक सॉन्ग्स, उनमें संस्कृत। ये है हिंदी का प्रभाव और हमारी मूल भाषा संस्कृत का प्रभाव। आप सब अपने हृदय में एक विश्वास रखिए, अपनी भारतीयता पर विश्वास रखिए, अपने होने पर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास को परमात्मा का बहुत बड़ा उपहार मानिए कि हाँ यार, हम यदि पैदा हुए हैं और वो भी भारत में हुए हैं, तो हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए बने नहीं हैं, हम जो हैं वह भैया हैं, और जो जो है यदि वो भैया है तो अपने आप में पूर्ण है। आप समझिए, प्लीज झूठ बोलना बंद कर दीजिए सुबह से शाम तक, हाउ आर यू, आई एम फाइन, बिल्कुल गलत है। डोंट बी सेंसर, सेंसर मत बनिए कि गाड़ियों के पास कोई आएगा चू 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 करेगा। आप आजकल तो ये नई बीमारी लिफ्ट में भी आ गई, होटल में अभी हम दो बार उतरे चढ़े होटल में, वहां भी बोल रहा था हाय हाय, और फिर मुंह हाउ आर यू कह के मुंह इधर कर दिया, भाई पूछ तो ले, सुनने का मादा तो रख। तो कृपया झूठ मत पालिए, झूठे मत बनिए, प्लीज जिंदा दिल रहिए, और जिंदा दिल वही रह सकते हैं जिनको आत्मविश्वास से परिपूरित जीवन मिला हो। जिंदा दिल रहेंगे तो भाषा का भी सम्मान होगा, भारतीयता का भी सम्मान होगा, और स्वयं का एक स्वाभिमान का सम्मान होगा। कृपया जो भी जिस आयु में है, झूठ मत पालिए, झूठ मत पलने दीजिए। एक उदाहरण देता हूं, 10 वर्ष का हो गया है कबीर मेरा बेटा, मुझे बहुत सलाहें मिलती हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा ही मिलती हैं। हमको बहुत सलाहें मिली कि अंबानी में डाल दीजिए,
ओवरऑल में डाल दीजिए। स्कूल्स की जब बात चल रही थी तो बड़ी बड़ी मुझे ये मशवरा खुशहाल लोग देते हैं, जमीर बेच दे अपना खुदी का सौदा कर। तो इन पूरी सलाहों में एक परमात्मा से जो तार जुड़ा है वो भी अपना कार्य कर रहा है कहीं। तो मैंने एक ऐसे स्कूल में अपने कबीर को डाला हुआ है जो गुरुकुल टाइप का है मुंबई में। फोर्थ क्लास में उसे घर बनाना सिखा रहे हैं कि अपना घर खुद कैसे बनाएगा। ये नहीं सिखा रहे हैं कि भाई कौन सा गणित है कौन सा, ये वो तो सब सीख जाएंगे वक्त के थपेड़ों के साथ। हर आदमी अपना गणित खुद सीख लेता है गुणा भाग। लेकिन तू घर बना के दिखा भाई, अपना फसल काट के दिखा, बो के और फसल काट के दिखा। ये सब चल रहा है वो भी मुंबई। अच्छा, ये अपनी अपनी चॉइस है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत ऐसे ही पला है, बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए।